और खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी के एमएलए नंदकिशोर गुर्जर का विवादित बयान सामने आया है। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है। गुर्जर की तरफ से कहा गया है टिकैत केवल किसानों के भेष में आए थे। नंदकिशोर टिकैत की तरफ से तमाम बातें कही गई है। अगर वो किसानों के बीच में ना होते तो निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। नंदकिशोर की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है। टिकैत केवल किसानों के भेष में आए थे, नंदकिशोर ने कहा है। अगर वो किसानों के बीच ना होते तो नंदकिशोर गुर्जर का एनकाउंटर होता। ये जो बिल था, अगर ये बिल आता तो किसानों की जिंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे, ये मुक्त हो जाता दुनिया के आड़तियों से। लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आड़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले, पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता लोकेश हमसे जुड़ चुके हैं। लोकेश, नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। देखिए, बिल्कुल उनकी तरफ से विवादित बयान कल एक बागपत में आयोजित था, वहां पर मीडिया को दिए हुए हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में अब राकेश टिकैत का भी जो उनका रिएक्शन है वो सामने आया। उन्होंने भी ट्विटर पर सत्ता के विधायक के द्वारा ऐसी भाषा का इस्तेमाल किए जाने को एक संयोजित साजिश का हिस्सा बताया है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर इन्हीं के द्वारा साजिश करने का आरोप लगाया गया था। दरअसल इस पूरे मामले में राकेश टिकैत पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है कि अगर ऐसा होता तो उनका एनकाउंटर हो जाता। इस पर राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने ये बोला है कि केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट जो है इस पूरे मामले में इस बयानों की गहनता से जांच कराए। दरअसल जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उसको गाजीपुर बॉर्डर पर लीड करने वाले राकेश टिकैत थे, और जब 26 जनवरी को वो घटना हुई थी जिसमें पूरे किसानों के ऊपर सवाल उठे थे, जब लाल किले के ऊपर एक ध्वज फहराया गया था, उसी के बाद से लगातार इस तरीके के विवादित बयान जो है वो विधायक की तरफ से दिए जाते रहे हैं। और इस पूरे मामले में अब एक देख रहे हैं कि एक तरफ तो किसान जो नेता है इनके बीच में और विधायक के बीच में खासतौर पर तनातनी है, और इस पूरे प्रकरण की राकेश टिकैत की तरफ से प्रतिक्रिया जो आई है उसके तहत अब इस पूरे मामले की वो गहनता से जांच के बाद आने की मांग कर रहे हैं। जी, धन्यवाद लोकेश तमाम जानकारियों के लिए। ये जो बिल था, अगर ये बिल आता तो किसानों की जिंदगी बदल जाती। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस बिल को लाए थे, ये मुक्त हो जाता दुनिया के आड़तियों से। लेकिन जिस तरह खालिस्तानियों से और आड़तियों से मिलकर के राकेश टिकैत ने जो कुकृत किया है, देश का आने वाला किसान 2 साल बाद उनको कहीं घुसने नहीं देगा। उन्होंने खालिस्तान का झंडा फहराया, तिरंगे को उतारा और तीसरी बार देश गुलाम हुआ है। देश को गुलाम करने वाले, पहली बार मुगलों ने गुलाम किया, दूसरी बार अंग्रेजों ने किया और तीसरी बार टिकैत ने खालिस्तान का झंडा फहराया और हमारी बहन बेटियों को उठा करके जिस तरह फेंका गया, इतना घृणित कार्य आज तक भारत के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी केवल किसानों के भेष में टिकैत आए थे, अगर किसानों के बीच में नहीं होते तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर उनका एनकाउंटर होता। तो नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। और हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हमसे जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नंदकिशोर गुर्जर की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। कहा गया है कि अगर आप किसानों के बीच ना होते तो एनकाउंटर हो जाता। फिर तो सरकार के बड़े आदमी है जी, तो वही बता सके या सरकार इस पर स्पष्टीकरण देगी। भाई चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और उनको सरकार की पॉलिसी का पता होगा या उनकी खुद की पॉलिसी होगी, तो जांच का सब्जेक्ट है, तो सरकार इस पर जांच करे। बयान कैसे दिया, इनको कैसे जानकारी थी या प्लान था कुछ, या प्लान में शामिल थे। हमने भारत सरकार को कल चिट्ठी लिखेंगे, आज ट्वीट किया उनको प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री।
इसके बयान की जांच करके सत्यता जानो आप, इसका क्या है सत्य बयान में। सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह के, जो इसने भी बयान दिए तो वही बताएगा बयान का तो क्या उसका हुआ है। ये कहा गया राकेश टिकैत ने किसानों के साथ धोखा किया है, केवल किसानों के भेष में आए थे। नहीं, हमने तो धोखा तो नहीं किया, हम तो किसानों की बात करते हैं आज भी। ठीक है, धन्यवाद राकेश जी हमसे जुड़ने के लिए।